दोस्तों आज के इस वीडियो में हम एक और वॉइस की एक्सरसाइज की बात करेंगे जिसका नाम है हमिंग। हमिंग क्या होता है? जब हम अपना मुंह बंद करके और नाक के थ्रू जो साउंड निकालते हैं वो जो साउंड निकलती है उसको हम बोलते हैं हमिंग। कैसे? देखिए, तो ये जो साउंड है इसको हम बोलते हैं हमिंग। ये एक्सरसाइज क्यों इंपॉर्टेंट है कि होता क्या है कि अभी जो हमने एक्सरसाइज की है वो गले के लिए और अपने मुंह के लिए, मुंह से जो हमने आवाज निकाली वो है। बहुत सारी साउंड ऐसी होती हैं, बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं जिसमें नेजल साउंड का भी इस्तेमाल होता है। और आप जब देखेंगे बहुत सारे जो बड़े एक्टर हैं उनकी जो आवाज है उसमें नेजल साउंड जब ऐड होती है तो एक बहुत गूंज, एक वाइब्रेशन पैदा होती है जिससे उनकी आवाज और दमदार होती है। आप जैसे अमिताभ बच्चन, रज़ा मुराद, ओम प्री, इनकी जब आप आवाज सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि इनका नेजल साउंड काफी आता है इनकी वॉइस में, और जिसकी वजह से इनकी आवाज जो है गूंजती है और उसकी आवाज, उनकी आवाज में एक असर, एक वजन पैदा होता है। और नेजल साउंड को इंप्रूव करने के लिए हमिंग जो है वो बेस्ट एक्सरसाइज है। हमारा वोकल सिस्टम कैसे काम करता है? फेफड़ों से जो हवा है वो गले के थ्रू होती हुई आती है, यहाँ से हमारी वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट करती हैं, साउंड पैदा होती है, और वो जो साउंड है वो मुंह के थ्रू या नाक के थ्रू बाहर निकलती है। तो मैक्सिमम जो शब्द है, जो आवाज है, वो मुंह के थ्रू ही निकलती है, बट बहुत सारे शब्द, बहुत सारी साउंड ऐसी होती हैं जिसमें हम नेजल साउंड का इस्तेमाल करते हैं। तो नेजल साउंड को समझने के लिए, उसको इम्प्रूव करने के लिए हमिंग जो है वो बेस्ट एक्सरसाइज है। जो भी हमने वॉइस की एक्सरसाइज की उसमें हम इसको भी हम ऐड करेंगे तो हम कुछ दिनों में देखेंगे कि इससे हमारी जो आवाज है उसमें एक वाइब्रेशन, एक गूंज पैदा होगी। करना कैसे है? जैसे हमने ओम का उच्चारण किया था, ओम के उच्चारण के लिए हमने क्या किया था? हमने सांस ली, सांस लेने के बाद ये ऐसे ओम का उच्चारण किया। वहीं अब हम क्या करेंगे? सांस लेंगे और वो जो आवाज है वो हम नाक के थ्रू निकालेंगे। कैसे? तो इससे क्या होगा कि आपका जो नेजल साउंड है, जो नाक के थ्रू जो भी आवाज निकलती है, जो शब्दों में जिनमें नेजल वॉइस का इस्तेमाल होता है, उसमें काफी सुधारने में, उस आवाज को सुधारने में काफी आपको हेल्प मिलेगी। और जब ये एक्सरसाइज आप उस दिन करेंगे तो आपको काफी बेनिफिट होगा। तो हम अभी देखते हैं अपने स्टूडेंट्स के साथ, उनसे ये एक्सरसाइज करवा के और उनका क्या एक्सपीरियंस है वो हम देखते हैं। एक्सरसाइज हम कर रहे हैं तो इससे आपको क्या लगता है, क्या बेनिफिट है इससे? सर, इससे इंटरनल जो अपना आवाज का जो वॉइस का जो क्वालिटी है सर, उसमें बहुत फर्क पड़ता है सर। और एक बेस जो है उसमें और ज्यादा क्लियरिटी आती है सर। जैसे सेम ओम के अंदर जिस तरह से अपना वॉइस आता है, सेम उसी तरह से हमिंग में भी सर वही फील आता है, और उससे एक्स्ट्रा और ज्यादा उसमें पावर फील करता है। तो मतलब बेनिफिट है इसका ना? हाँ सर, बहुत ज्यादा बेनिफिट है सर। मैंने करके कई बार करके देखा है सर, कर रहा हूँ, आपने बताया जब से। ठीक है जी सर। क्या बेनिफिट हुआ इस एक्सरसाइज से तुम्हें? सर, इस एक्सरसाइज से काफी कुछ बेनिफिट हुआ है। जैसे कि हम ओम करते हैं तो हमारे गले, और जब हमिंग भी हम करते हैं तो हमारे अलग ही एक आवाज क्लियरनेस आता है कि हाँ, काफी इम्प्रूव हुआ है। मेरी आवाज पहले पतली थी, जब से मैंने ये एक्सरसाइज करनी शुरू की है तब से काफी अच्छा रिजल्ट आया है, बेस बढ़ा है। तो देखा आप लोगों ने किस तरह से हमें ये एक्सरसाइज करनी है, और जब ये सब एक्सरसाइज आप अपनी रूटीन में शामिल करेंगे तो आपको 100% रिजल्ट मिलना ही मिलना है। और ये जितनी भी एक्सरसाइज हम कर रहे हैं तो ये हमें अपने रूटीन का हिस्सा इनको बनाना है, लाइफस्टाइल का हिस्सा हमें बनाना है,
क्योंकि एज एन एक्टर जो एक्टिंग है वो हमारी लाइफ का पार्ट नहीं है, हमारी लाइफ है। एक एक्टर के लिए एक्टिंग जो है उसकी लाइफ है, और उसके लिए हमें अपना एक्टिंग को इम्प्रूव करने के लिए, इमोशंस को, वॉइस को, एक्सप्रेशंस को इम्प्रूव करने के लिए जो कुछ भी करना पड़े वो हमें करना चाहिए। जैसे जो भी एक्सरसाइज हमने बताई वो हमें अपने रूटीन में शामिल करेंगे तो बिल्कुल नेचुरल सी बात है 100% कि आपको रिजल्ट मिलना ही मिलना है।